हाय, अभी हम देखते हैं कि एनेस्थीसिया में एक मेपलसन सर्किट नाम का टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल है याद में रखना, मतलब कंपेयर करना मुझे हमेशा बहुत ही डिफ़िकल्ट जाता था। तो इसमें क्या है कि 6 टाइप्स है, ए बी सी डी ई एफ, और इनको कभी कभी पूछते हैं डायग्राम से कैसे पहचानना है। आई विल टेल यू कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आता है कि डायग्राम में से कौन से टाइप का मेपलसन सर्किट है वो पहचानना। दूसरा आता है कि सबसे कॉमन कौन सा है, या फिर पीडियाट्रिक यूज़ में कौन सा यूज़ किया जाता है, या फिर असिस्टेड वेंटिलेशन या स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में कौन सा यूज़ किया जाता है, ये पूछते हैं। फिर कुछ सर्किट्स के नाम है, जैसे ए का नाम है, एफ का नाम है, तो उनके नाम भी पूछ सकते हैं। फिर कुछ सर्किट को मॉडिफाई करके ना कोएक्सियल सर्किट बनाते हैं, तो उनके नाम भी अलग होते हैं और उनका थोड़ा सा डायग्राम भी अलग होता है, तो उस पे से भी उनको भी पहचानना भी पूछ सकते हैं। तो इजी वे में मैंने कैसे किया था, मैंने पूरा ये जो भी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इतने से चार्ट में किया है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये चार्ट ही एक्सप्लेन करता हूँ कि मतलब क्या है कैसे है, क्योंकि ये मैंने खुद के लिए बनाया, तो आपको एक बार ईजी वे में समझा देता हूँ। डायग्राम कभी भी आएगा ना तो पहचानने के लिए ना सिर्फ तीन चीज़ें याद रखना है कि मतलब ये फ्रेश गैस इनफ्लो है ना, इसको हम आई एल लेते हैं, मतलब इनलेट बोलते हैं हमारे यूज़ के लिए। फिर ये एडजस्टेबल प्रेशर रिलीफ वाल्व है, तो इसको पी बोलते हैं, मतलब प्रेशर वाल्व है ऐसे बोलते हैं। तो हम जो भी हमारे डायग्राम्स होगी ना उसमें सिर्फ आई और पी दिया होगा, मतलब इनलेट कहाँ से है, प्रेशर वाल्व कहाँ से है, इन दोनों के पोजिशन पर डिपेंड करता है कि उस सर्किट का टाइप कौन सा है। और दूसरा डिपेंड करता है कि ये कोरुगेशन है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, तो इस सर्किट में नहीं है, तो वो भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और ये पेशेंट साइड है, मतलब ये मुंह पे लगाते हैं ना, तो ये पेशेंट साइड है। और ये रिजर्व वायर बैग है, मतलब ये प्रेशर वॉल का पोजीशन पेशेंट की तरफ है या अवे फ्रॉम ईट है। फिर ये इनफ्लो का पोजीशन पेशेंट की साइड है या अवे फ्रॉम ईट है, इस पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मेपलसन सर्किट है। तो लेट्स सी, अभी इसमें ये सब मैंने जो बताया ये तो आपको समझ गया होगा। तो मैंने जो ईजी डायग्राम्स बनाए हैं उसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ, कंपेयर करते हैं सभी को एक साथ। अभी सबसे पहले देखते हैं कि सर्किट को पहचानना कैसा है। ये ए बी सी डी ई एफ हमारे पास ऐसे 6 टाइप्स के सर्किट है। तो डायग्राम में ये जो है ये मतलब पेशेंट का साइड है उसको मास्क लगाने के लिए, और ये जो गोल है वो रिजर्वायर बैग है। पी मतलब प्रेशर वॉल्व है, आई मतलब इनलेट है जो हमने अभी डायग्राम में देखा था। तो पी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर पी पेशेंट के साइड पे है प्रेशर वॉल्व तो टाइप ए है। अगर दोनों भी आई बी और पी बी दोनों भी पेशेंट के साइड पे तो टाइप बी है। बी मतलब बोथ है ना, इसलिए दोनों भी पेशेंट के साइड पे। सी मतलब ना, सी को इजीली पहचान सकते हैं जिसमें नो कोरुगेशन है, सी फॉर कोरुगेशन होता है ना, तो कोरुगेशन नहीं है सी में, इसलिए टाइप सी है। डी का कैसा है, ए से उल्टा है डी, मतलब पी जो प्रेशर वॉल है वो अवे फ्रॉम द पेशेंट है और इनफ्लो टूवर्ड्स द पेशेंट है। ई का कैसा है, इसमें रिजर्वायर में क्या आता है, रिजर्वायर में ई दो बार आता है ना, तो ई में रिजर्वायर है ही नहीं, ऐसी गोल गोल बैग होनी चाहिए ना, यहाँ पे है ही नहीं। और जो यफ है उसमें प्रेशर वॉल सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, प्रेशर वॉल भी नहीं है यफ में। तो ऐसे ए बी सी डी यफ ऐसे याद रख सकते हैं कि ए और डी उल्टा है, बी में बोथ पेशेंट के साइड पर, सी में कोरुगेशन नहीं है, ई फॉर रिजर्वायर ना, तो ई में रिजर्वायर बैग ही नहीं है और एफ में प्रेशर वॉल नहीं है। अभी नाम देखते हैं हम, ए को मैगिल बोलते हैं, फिर ई को आयरिस टिपिस बोलते हैं और एफ को जैक्सन रिस बोलते हैं। ये मैगिल और जैक्सन रिस नाम इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें ना सिर्फ ए का और डी का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब कोएक्सियल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ए के कोएक्सियल मॉडिफाइड वर्जन को लैक्स सर्किट बोलते हैं, और डी वाले को बेंस और पेनलॉन सर्किट बोलते हैं। मतलब ये इतने ही नाम है, तो आपको ये नाम भी याद होना इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं कि ये जो सी है नो कोरुगेशन वाला ना, उसको वाटर टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। अभी ना डायग्राम में लैक्स और बेन ऑन पेनलॉन ये जो है ना मॉडिफाइड कोएक्सियल, इनको पहचानना भी इम्पोर्टेंट है। उनमें क्या होता है ना, मतलब वो ऐसे बाहर से एक एक्स्ट्रा कवर होता है, डायग्राम में हम ये देख सकते हैं बाहर से एक एक्स्ट्रा कवर होता है। एक्स्ट्रा कवर होगा तो दोनों में से एक ही है, पर फिर भी इनको कैसे पहचानना है, अगर एक्स्ट्रा कवर है
और ऐसे मिडल में ही अगर इनलेट जा रहा है ना तो वो लैक्स या पेनलॉन है, और एक ही साइड पे इनलेट भी और प्रेशर वॉल भी है और बाहर से ऐसा एक्स्ट्रा कवर है, तो वो लैक्स सर्किट है। सर्किट को डायग्राम से पहचानना पता नहीं क्यों पर उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। अभी यूजेस देखते हैं। हमारे लिए ना ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो और ई और एफ है ना ये चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। यह फर्स्ट चॉइस है चिल्ड्रन में यूज़ करने के लिए और ई सेकंड चॉइस है चिल्ड्रन में यूज़ करने के लिए। तो ए स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं और डी कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा याद में रखते हैं। और निमोनिक में मतलब कुछ क्वेश्चंस में ना मतलब एक्सप्लेनेशन में ये भी दिया था कि स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन अगर होगा तो हम प्रेफर करते ए डी मोर देन डी ई एफ मोर देन सी बी, और कंट्रोल वेंटिलेशन होगा तो हम प्रेफर करते डी ई एफ मोर देन ए सी मोर देन ए। तो ये हम याद रख सकते हैं कि मतलब ये सबसे पहले आता है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पॉन्टेनियस अगर वेंटिलेशन करना है स्पॉन्टेनियसली तो हम यही यूज़ करते, और कंट्रोल वेंटिलेशन होगा तो इसलिए ए सबसे लास्ट में जाता है। और ये कैसे याद रखेंगे कि कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए डी ई एफ फर्स्ट है? डी ई एफ मतलब हम ले सकते कि डिफेक्टिव, अगर मतलब सर्किट डिफेक्टिव है उसको ऐसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, कंट्रोल देना पड़ रहा है, तो इसलिए कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए डी ई एफ सबसे पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए। सो इस तरह इस पूरे सर्किट्स में ए बी सी डी ई एफ के उनमें जिन जिन के नाम है मतलब मैगिल आयरिस टी पी जैक्सन रीस लैक्स पिंस और बेनलॉन टू एंड फ्रो, ये नाम याद रखने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको डायग्राम में से कैसे पहचानना है, वो भी हमने देख लिया है। कोरोगेशन नहीं होगा, सी नहीं होगा तो सी है। ए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के पास ही प्रेशर वॉल होना चाहिए। बी मतलब बोथ दोनों आई पी पेशेंट के मुँह की तरफ होते हैं। ई मतलब ब्रीजर वायर उसमें नहीं है। रेफ मतलब प्रेशर वॉल नहीं है। और डी मतलब ए का उल्टा। फिर कोएक्सियल भी देखा हमने, लैक्स और बेंस और पिनलॉन कैसे। लैक्स मतलब ए का कोएक्सियल मतलब बाहर से एक कवर होगा, और फिर अगर बीच में से आए जा रहा है इनलेट बीच में से जा रहा है तो बेंस और पिनलॉन, और अगर आए से एक साइड से जा रहा है तो लैक्स। ऐसे डायग्राम में से टाइप ऑफ सर्किट पहचानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके यूजेस भी इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी देखे। बस इस पे से आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करिए क्यू बैंक में जाके, फिर आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। इसमें मैंने ज़्यादा ट्रिक्स नहीं बताए, पर इतने छोटे से चार्ट में से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम एक साथ कर सकते हैं, और फिर ऐसे कंपेरेटिव करेंगे तो ज़्यादा देर तक ध्यान में रहेगा। इसलिए ये जो भी मैंने छोटा सा नोट बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।